बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से जो लोग वापस आए थे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान आए हुए थे, खरूज अहदा लगवा के, अकामा होल्डर या कोई और भी, तो उनकी जो है बड़ी उनके लिए ज़बरदस्त जो है वो अपडेट्स आई हैं। जो सऊदी अरब के शहजादे हैं सुलेमान, उन्होंने जो है बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि जो खरूज अहदा लगवा के अपने अपने मुल्कों में गए थे, फ़्लाइटें बंद होने की वजह से वापस नहीं आ सके, तो उनका जो खरूज अहदा है, उनकी जो वीज़े की एक्सटेंशन है वो 31 जुलाई तक कर दी है। अब आप लोग 31 जुलाई के अंदर अंदर आप लोग आ सकेंगे इंशाल्लाह ताला, फ़्लाइटें भी ऑन हो जाएंगी। खरूज अहदा रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। आपका जो वीज़ा एक्सटेंशन है खरूज अहदा पे 31 जुलाई तक एक्सटेंशन कर दी है, और इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बल्कि बड़े लोग खुश हो रहे हैं कि यार ये पहले भी इस तरह सऊदी अरब कर चुका है 3-4 मरतबा, अब उन्होंने फिर एक मरतबा लोगों की टेंशन परेशानी को दूर कर दी है। तो ये ज़बरदस्त अपडेट थी। और अब कोई अगर कोई सऊदी अरब जाना चाहता है तो वो अफगानिस्तान से 14 दिन करंटीना करके फिर अफगानिस्तान से सऊदी अरब जा सकता है। अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है अमेरिकन, तो वो फिर उनको 7 दिन जो करंटीना करना पड़ता है सऊदी अरब के अंदर, वो करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट से मुतालबा ये कर रही है कि आप जो हैं चाइना की वैक्सीन को भी मानना शुरू कर दें उसको, और क्योंकि चाइना की वैक्सीन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही लगाई जा रही है, इससे पाकिस्तानियों के हक हकूक जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अमेरिकन लगे, लेकिन जो सऊदी अरब जो के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो भी सऊदी अरब की हुकूमत को बता रहे हैं कि चाइना की वैक्सीन बहुत ही अच्छी है, 80% इसके जो है फ़ायदे हैं। तो बहरहाल ये ज़बरदस्त अपडेट थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन